अब हमें एक फिनोमिनन और पढ़ना है यहाँ, छोटा सा फिनोमिनन है, छोटा सा पॉइंट है, एनर्जी डेंसिटी। लेकिन इस एनर्जी डेंसिटी को सिर्फ और सिर्फ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए निकालेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैप एक्चुअली जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, यही एक्चुअल में कैपेसिटर है जो प्रैक्टिकली यूज होता है। स्फेरिकल कैपेसिटर वगैरह वो कुछ भी यूज नहीं होते, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है। ठीक है, अब इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की एनर्जी डेंसिटी कितना होगी? एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम हम बोलेंगे। तो ये कैसे निकालेंगे? सिंपल सी बात है, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी जिसे कि हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल यू से, सॉरी मैंने म्यू बना दिया, स्मॉल यू, कैपिटल यू से था एनर्जी और स्मॉल यू से एनर्जी डेंसिटी। तो कैसी? सिंपल सी बात है, टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर, वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर। तो अब टोटल एनर्जी, अभी हमने बात करी, देखो टोटल एनर्जी यू इज इक्वल्स टू, मैं इसमें से तीन में से एक फॉर्मूला ले रहा हूँ, हाफ सी वी स्क्वायर वाला, फिर इसमें सब्स्टिट्यूशन कर देंगे। सिंपल सी बात है, स्मॉल यू टोटल एनर्जी, हाफ सी वी स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखना, वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दो इसकी प्लेट्स हैं, ये दो इसकी प्लेट्स हो गई कैपेसिटर की, इन प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस है डी। तो कितना वॉल्यूम आ गया, कितना वॉल्यूम आ गया? तो उस वॉल्यूम को फाइंड करने के लिए देखो, एक क्यूबॉइड बना लो, इसको बन गया ना क्यूबॉइड, ये पूरा का पूरा क्यूबॉइड हो गया। अब सपोज ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेथ है, और ये इसकी हाइट है, हाइट को मैंने डी लिख दिया, कोई बात नहीं। तो फिर इसका वॉल्यूम कितना बनेगा? वॉल्यूम कर बनेगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, जिसको कि मैंने डी लिखा हुआ है। और लेंथ इंटू ब्रेथ कितना होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है एरिया इंटू डी। तो अब सिंपल सी बात है, हम यहाँ इस फॉर्मूले में जो कैपेसिटी है, वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर, इसे लिखेंगे एरिया इंटू डी। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूशन कर दो, देखना जरा ध्यान से, ये सी वी स्क्वायर है, सी सी होता था कैपेसिटर का एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ठीक है, इंटू वी स्क्वायर इंटू ए डी। देखना जरा ध्यान से, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, डी अपॉन में आ जाएगा। तो फिर एनर्जी डेंसिटी कितनी बन गई? एनर्जी डेंसिटी बन गई एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर अपॉन टू डी स्क्वायर जूल पर क्यूबिक मीटर, जूल पर क्यूबिक मीटर लिखा जाएगा। अब इसमें छोटा छोटा सब्स्टिट्यूशन आप कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन क्या कर सकते हैं, वी इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी रख लो, तो एप्सिलॉन नॉट, जब मैंने इसको रखा वी इक्वल क्यू अपॉन सी, तो ये बना क्यू स्क्वायर अपॉन टू, ये बनेगा आपका सी स्क्वायर डी स्क्वायर जूल पर क्यूबिक मीटर। एक फॉर्मूला ये बन गया एनर्जी डेंसिटी का, समझ रहे हो सब? अब क्यू इक्वल सी वी, ये आपका क्यू और सी में हो गया, ये वी में हो गया। कुछ और भी बन सकता है क्या? कुछ और भी बन सकता है, जरा बनाओ ना। एक और फॉर्मूला देखो, सी इज इक्वल टू क्यू वी रख दे हम यहाँ पर, तो मैंने इसको सी इज इक्वल टू